आ भाई वीडियो हेलो 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 अंडर 14 2020 सीजन इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट नो फाइनल रमवा माटेनी तैयारी थई गई छे। खिलाड़ियों तैयार छे। फाइनल नी अंदर दबदबा भेर प्रवेश कर्यो छे। जामनगर अने अमरेली टीमें बन्ने पोताना हरीफोने जबरदस्त मात आपीने अहींया पहोंच्या छे। आज सवारे क्रिकेट ना जानकार क्रिकेट ना समर्पित क्रिकेट ने पोताना जीवन नो जीवन मंत्र बनावनार बन्ने हम्पायर गोंडल ना तेजस्वी तारला जेने अनेक रेकॉर्ड्स कर्या छे तेवा महेंद्र सिंह राणा भगत भाई अने केविन वैयाणी तेओ मैदान पर आवी गया छे। जामनगर नी टीमे आज टॉस जीतीने जामनगर की टीमें टॉस जीतीने फील्डिंग पसंद करी छे अने बेटिंग में इनवाइट कर्या छे अमरेली ना बेट्समेनों। धीमे धीमे फील्डिंग गोठवाई रही छे। तुलसीबाग एंड थी क्रिकेट नी प्रथम ओवर नो प्रारंभ थशे। छेला 3 दिवस थी सौराष्ट्र नी अंडर 14 8 જિલ્લાની ટીમો વચ્ચે નોકઆઉટ મેચ રમાડવામાં આવ્યા અને તેમાં વિજેતા થતી ટીમ ફરી એક વખત મેચ રમી અને આજે જામનગર અને અમરેલીની ટીમ ફાઇનલમાં દબદબાભેર પ્રવેશ કર્યો છે। આ બંને ટીમના ખેલાડીઓને ખુશનુમા સવાર સ્વચ્છ આકાશ અને હરિયાળા વૃક્ષોથી નવપલ્લવિત સગ્રાંધી હાઈસ્કૂલના મેદાનમાં स्वागत अने अभिवादन करिए छे। आ बन्ने टीम ने अमे शुभेच्छाओ पाठवीए छे के श्रेष्ठ रमत स्पोर्ट्समैन प्रीत अने भाईचारानी भावना आ फ्रेंडशिप कप टूर्नामेंट में प्रदर्शित करी अने उमदा क्रिकेट रमी अने जे श्रेष्ठ छे ते आजे विजेता थशे अने जेनी मेहनत थोड़ी ओछी हशे ते नरनसब थवाना छे। गोंडलना क्रिकेट प्रेमीओए आ टूर्नामेंट ने खूब सुंदर सहकार અને ક્રિકેટરો માટે અનેક ભેટ સોગાદો પોતાના તરફથી જાહેર કરી છે। આપણે મેચ દરમિયાન આ બધું કહેતા રહેશું પરંતુ હવે આ મેચ શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે। પ્રથમ ઓવર તુલસીબાગ એન્ટ્રી તો આવો નિહાળીએ અંડર 14 2020 સીઝન ચેમ્પિયનશિપ ઇન્વિટેશન ટુર્નામેન્ટ ફાઇનલ મેચ। વાઇડ નો ઇશારો અમ્પાયર કેવિન રૈયાણી તરફથી ફાઇનલ મેચ નો અમરેલી તરફથી ઓપનિંગ કરી રહ્યા છે।
नेविल डांगर अने पटेल काव्य ओपनिंग करी रहा छे। આજના આ ફાઇનલ મેચનું યુટ્યુબ ઉપર જીવંત પ્રસારણ થઈ રહ્યું છે। આપ આ મેચ હલો 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 આજે આ મેચ યુટ્યુબ ઉપર એલકે સ્ટાર રાજકોટ લિંક ઓપન કરવાથી આપ આ મેચ લાઈવ જોઈ શકશો। ગોંડલ ક્રિકેટ ક્લબ દ્વારા આયોજિત ખુશનુમા સવાર, હલકો હલકો તડકો, હરિયાળા વૃક્ષોથી આચ્છાદિત ગોંડલના હૃદય સમૂહ, ઐતિહાસિક મેદાન સંક્રાંતિ હાઈસ્કૂલના મેદાનમાં ખૂબ જ લાંબા ગાળા પછી સિઝન ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ અત્યારે રમાઈ રહી છે, જેનો આનંદ સમગ્ર ગોંડલની ક્રિકેટ પ્રિય જનતાને છે અને ખેલાડીઓને છે। સુંદર મજાનો શોટ લેગ સ્ટમ્પ ઉપર બતાદાને લેગ સાઈડમાં મારી અને ચાર રન માટે બાઉન્ડ્રી બહાર પહોંચી દીધો, ચાર રન અર્જિત કર્યા અને સ્કોર પહોંચ્યો 5 રન કોઈ પણ નુકસાન વગર। इस टूर्नामेंट में शुरू में सौराष्ट्र की जानी मानी चुनिंदा 8 डिस्ट्रिक्ट की टीम को इनवाइट किया गया था, जिनके नाम इस प्रकार है: भावनगर डिस्ट्रिक्ट, जामनगर डिस्ट्रिक्ट, राजकोट सिटी, राजकोट रूरल, अमरेली डिस्ट्रिक्ट, जेतपुर, गोंडल और पोरबंदर। इन 8 डिस्ट्रिक्ट की टीम के बीच आज से 4 दिन पहले 2020 अंडर 14 सीजन चैंपियनशिप इनविटेशन ट्रॉफी का प्रारंभ हुआ था। हमारे सबसे अजीज और सम्माननीय मोहन सिंह जाडेजा, गोविंद सिंह जाडेजा, हमारे धारासभ्य के प्रतिनिधि गणेश सिंह जाडेजा और कभी सभी जाने माने लोगों के बीच हमारे नगरपालिका के प्रमुख, उनके कारोबारी सदस्य, मार्केटिंग यार्ड के हद्देदार और कई ऐसे सीनियर क्रिकेटर्स इस ओपनिंग सेरेमनी में उपस्थित रहे थे। उनके हाथों से दीप प्रज्वलित करके इस टूर्नामेंट का प्रारंभ किया गया था। हमारे गोंडल के स्पोर्ट्स पर्सन और ऑफिसर DYSP श्री प्रतिपाल सिंह झाला साहब भी इस टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे और सभी खिलाड़ियों को काफी अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेल खेलने की सीख दी थी। इन सभी मेहमानों के उपस्थिति में ये सारा टूर्नामेंट का प्रारंभ हुआ और आज फाइनली 2 टीमें नॉकआउट पद्धति से फाइनल में पहुंची है। आज सुबह जामनगर के कैप्टन ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया और अमरेली की टीम इस वक्त बैटिंग में है और बैटिंग कर रहे हैं नीरज, नेविल और काव्य, और ये दूसरी ओवर लेकर आ रहे हैं अधिराज। मेन गेट एंड की ओर से अधिराज बॉलिंग करने के लिए तैयार, सामना करेंगे काव्य। पहली ओवर में 9 रन आए हैं और अब दूसरी ओवर प्रोसीडिंग शुरू होने जा रही है और इस गेंद को फुल टॉस लिया, पॉइंट की दिशा में खेला लेकिन फील्डर वहां मौजूद, काफी चुस्ती फील्डिंग के साथ, कोई रन की गुंजाइश नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के।
फिर से एक बार बॉलर तैयार, हल्के से गेंद को खेला पॉइंट की दिशा में। अभी बैट्समैन शुरुआत की ओवर में गेंद की लंबाई, गेंद की टर्न को जांच रहे हैं, परख रहे हैं और अपनी आंखें जमाकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बीच अधिराज फिर से एक बार तैयार, मेन गेट एंड की ओर से उसको खेलेंगे काव्य। यहाँ फाइनल मैच खेला जा रहा है। मोटरसाइकिल के ओनर्स को हमारी विनती है कि वो मैदान के बीच मोटरसाइकिल लेके ना आए। एक बहुत बड़ा अच्छा मुकाबला चल रहा है, आप उसमें कोई डिस्टर्बेंस खड़ा ना करें, ऐसी हमारी आपसे गुजारिश है। और इस बीच दिव्यराज अपनी ओवर की आखिरी गेंद लेकर आ रहे हैं, सामना करेंगे काव्य। और बाहर जाती हुई गेंद को देखा और छोड़ दिया, अंपायर का इशारा वाइड बॉल का। फिर से एक बॉल और डालनी पड़ेगी। इस एक रन के इजाफे के साथ स्कोर पहुंचा 10 रन पर। काफी अच्छा, हवा में थोड़ी देर गेंद रही, बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है, फील्डर उसके पीछे हल्के से फील्ड किया, वापस करते तब तक दो रन लेने से नहीं रोक सके बैट्समैन को। और इस दो रन के साथ इस ओवर की समाप्ति हुई, स्कोर पहुंचा 12 रन बिना किसी नुकसान पर। और एलके स्टार राजकोट यूट्यूब में ये लिंक आप ओपन करेंगे तो ये मैच लाइव शुरू हो चुका है। आप इस मैच को YouTube पे एलके स्टार राजकोट पर लाइव देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ काम हो रहा है और ये मैच को लाइव किया जा रहा है एलके स्टार राजकोट की ओर से। ये पूरी टूर्नामेंट बहुत ही कम समय में, इसका विचार आया, इसको खेलने के लिए प्रोत्साहित किया और जब इसको एक्शन में लाया गया तब लेग स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद विकेट कीपर अच्छी तरह से कलेक्ट नहीं कर सके, अंपायर का इशारा वाइड का। इसके बीच बैट्समैन दौड़कर एक रन पूरा कर चुके थे और इस एक रन और वाइड बॉल के साथ दो रन का इजाफा हुआ इस मैच में, इस रन टोटल स्कोर में। और स्कोर पहुंचा 14 रन बिना किसी नुकसान के। काव्य खेलने के लिए तैयार, तुलसीबाग एंड से बॉलिंग करेंगे मीत। और अच्छी गुड लेंथ पर गेंद डालकर बैट्समैन ने भी पूरा सम्मान दिया, हल्के से खेल दिया ऑन साइड की ओर। इस पूरी टूर्नामेंट को यहां खेलने के लिए जिन लोगों ने मेहनत की है और इस टूर्नामेंट का बहुत अच्छा ख्याल आया है, उसको शुरुआत से लेकर आज तक जिन लोगों की वजह से ये टूर्नामेंट खेली जा सकी है उनके मैं नाम
आपको दे दूं, गोंडल क्रिकेट क्लब के समीर मकवाना, नरेंद्र सिंह झाला, एडवोकेट श्री प्रवीण भाई कुमार खानिया गुंदारा, यतीन भाई कापड़िया, महेश भाई टोड़िया ठोड़िया, ओम भाई जाडेजा, प्रकाश दवेरा, जेमने आ सुंदर मजानी हलो दिलीप भाई व्यास के जेमने आ पीत तैयार करवामां खूब ज मेहनत करी छे, नीरो भाई मकवाणा, भगीरथ भाई चावड़ा, ताहिर ब्लोच, रवि मोवलिया, प्रियांशु अग्रावत, रिजम रूपारेलिया, जेमिन भाई वाछाणी, भगत भाई राणा, केविन भाई रैयाणी, अने आपने जेमनो अवाज अपना कान सुधी पहुंची रह्यो छे आ माइक द्वारा ए हूँ नाचीस हितेश दवे, अमारा सौनी आपने शुभेच्छाओ अने आ टूर्नामेंट ने खूब सुंदर रीते सफल रीते आज फाइनल सुधी पहुंचा छे अने बाउंड्री लाइन चार रन नो इशारो हल्के थी रमी दीधो, विकेटकीपर की बाजू में जरा पसार थी गयो अने बाउंड्री लाइन पार करी गयो, चार रन नी साथे टोटल स्कोर पहुंचो 15 रन 19 रन, कोई पण नुकसान वगर और इनमें कोई नुकसान नहीं है, बिना किसी विकेट घुमाए अभी 19 रन बना लिए ओपनिंग बैट्समैन ने, काफी अच्छा खेल चल रहा है और इस खेल के बीच तुलसीबाग एंड से फिर से एक बार तैयार अधिराज अपनी अगली और मित ने एक बार अच्छी गुडलैंड पर डाली हुई गेंद को पूरा सम्मान देते हुए ऑफ साइड में ऑन साइड में खेल दिया, लेकिन वहां फील्डर मौजूद, कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर 19 रन बिना किसी विकेट घुमाए और आखिरी दो गेंदे लेकर आ रहे हैं मित तुलसीबाग एंड से, उसको खेलेंगे नेविन, काफी अच्छा फॉलो थ्रू में उसका सीधा शॉट मार दिया है, लेकिन फील्डर वहां मौजूद, उतने ही चुस्त फुर्तीले, कोई रन नहीं होने दिया, अपनी क्रीज में वापस आ गए बैट्समैन, इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर मीत आ रहे हैं तुलसीबाग एंड से, उसको खेलेंगे नेविन, और घुमा दिया है, हल्के से पुश किया, एक रन के लिए लेना चाहते थे, लेकिन जैसे ही देखा जो फील्डर उसके ऊपर हावी हो रहे हैं, मिसफील्ड हुई और एक रन पूरा करके दूसरे रन के लिए दौड़, हेलो आखिरी गेंद पर दो रन लेकर अमरेली का स्कोर पहुंचा 21 रन बिना किसी नुकसान के, इस पूरी टूर्नामेंट में जिन लोगों ने सहकार दिया है, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, उन्हें हमारी हौसला अफजाई की है, उन सभी के नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसी बीच अधिराज मेन गेट एंड की ओर से हल्के से डाली हुई गेंद को ऑफ साइड में खेल दिया है, एक रन के लिए निकल पड़े थे, एक रन पूरा किया, जब तक गेंद वापस अधिराज के पास आए एक रन पूरा कर चुके थे और इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 22 रन पर बिना किसी नुकसान पर, और इसमें गोंडल के जाने माने पुराने क्रिकेटर्स द डिग्निटी ऑफ द गोंडल जिन लोगों ने इस पूरी टूर्नामेंट में अपना सहयोग दिया है, उन सभी के नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। डीवाईएसपी प्रतिपाल सिंह झाला साहब, हमारे सबके अजीज चहेते और हम जिसे विश्व पितामह कहते हैं क्रिकेट का, मोहन सिंह जडेजा जो बहुत ही क्रिकेट में अभी सिलेक्टर की भूमिका निभा रहे हैं, गोविंद सिंह सोलंकी रिटायर्ड डीएसपी, अशोक भाई पीपड़िया, अल्पेश भाई ढोलोरिया, बाबू भाई टोड़िया, समीर भाई कोटड़िया,
गणेश भाई जाडेजा, राजू भाई झाला, विपिन भाई भट्ट, सुनील भाई शुक्ल, विजय भाई भट्ट, अशोक भाई पटेल, योगेंद्र भाई जोशी, विनु भाई मांडलिया, सहदेव सिंह झाला प्रिंसिपल एम बी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, ओमदेव सिंह जाडेजा, रैयाणी भाई, ज्योतिरादित्य सिंह जाडेजा, धर्मेंद्र सिंह जाडेजा, मयूर सिंह जाडेजा, तालुका पंचायत कारोबारी चेयरमैन गोपाल सिंह जाडेजा, नानभा सोलंकी, और आज सुबह सुबह गोपाल सिंह जाडेजा और नानभा सोलंकी की ओर से इस टूर्नामेंट में फाइनल में विनर्स टीम को 11,000 रुपए का रोकड़ पुरस्कार देने का अनाउंस किया है और रनर्स अप टीम को 5,100 रुपए देने का अनाउंसमेंट किया है। और अभी मैंने जिसको नाम लिया उन सभी की ओर से हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और इस बीच हल्के से खेला था ऑन साइड में और स्कोर पहुंचा, 2 रन पूरे कर लिए, 24 रन बिना किसी नुकसान पर। इस फाइनल का लाइव प्रसारण हो रहा है YouTube के ऊपर, एलके स्टार राजकोट आप लिंक ओपन करेंगे तो आप इस मैच का लाइव प्रसारण देख सकते हैं, लाइव एक्शन देखेंगे एलके स्टार राजकोट की ओर से। और इसके साथ ही ये ओवर समाप्त। चार ओवर के समाप्त होने पर स्कोर है 25 रन बिना किसी नुकसान पर। हेलो 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 हेलो, बॉलिंग में थोड़ी तब्दील, हेलो 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 हेलो, लेफ्ट हैंड बैट्समैन नेविल, राइट हैंड बैट्समैन नेविल बॉलर की गेंद का सामना कर रहे हैं, बॉलर राघवेंद्र तुलसीपा गेंद से अपनी नई ओवर डाल रहे हैं और स्कोर है अभी 25 रन बिना किसी नुकसान पर। फ्लाइट हेड गेंद को हल्के से देखा कि आउटसाइड की ऑप्शन जा रही है, उसको धीरे से रोक दिया, फील्डर के पास गई, विकेटकीपर ने अपना काम पूरा किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये पूरा मैच आप लाइव देख सकते हैं YouTube के ऊपर एलके स्टार राजकोट लिंक पर। हल्के से पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे, बैट का बाहरी किनारा लिया लेकिन कलेक्ट करने में नाकामयाब, एक मौका था लेकिन गुमा दिया, अभी भी कोई खामियाजा नहीं। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आ रहे हैं अधीरा राघवेंद्र, और हल्के से गेंद को जाने दिया, देखा और शायद ऑप्शन जा रही है, उसको छूने की कोई कोशिश नहीं है, अभी आंखें जमा ली है बैट्समैनों ने और गेंद को परख रहे हैं, समझ रहे हैं और हल्के हल्के रन बटोर रहे हैं अमरेली के बैट्समैन। और ये ओवर राघवेंद्र ने मेडन डाला है 25 रन के स्कोर पर, कोई नुकसान नहीं, बिना कोई विकेट गुमाए 25 रन बना लिए हैं 5 ओवर की समाप्ति पर। हेलो हेलो हेलो,
और फिर से एक बार अधिराज अधिराज और उसका सामना करेंगे काव्य अमरेली के ओपनिंग बैट्समैन अधिराज राउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे नहीं ना लेफ्ट हैंड से राउंड द विकेट बॉलिंग करेंगे काव्य सामना कर रहे हैं जैसे ही ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को देखा हल्के से खेला लेकिन चुस्ती फुर्ती से अच्छे से फील्डिंग की जामनगर के खिलाड़ी ने और कोई रन होने नहीं दिया स्कोर अभी भी 25 रन बिना किसी नुकसान पर और ये शानदार शॉट सिंगल के लिए और ये आखिरी गेंद इस ओवर की बहुत ही शानदार शॉट किया है हेलो 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 छह ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 28 रन बिना किसी नुकसान के फिर से एक बार तुलसीबाग एंड से राघवेंद्र अपनी ओवर की गेंद लेकर उसका सामना करेंगे काव्य और घुमाकर मारने की कोशिश और स्टंपिंग कर दिया है जोरदार अपील हो रही है फील्डर की ओर से लेकिन अंपायर के ऊपर कोई असर नहीं नकार दिया बैट्समैन अपनी क्रीज में सेफ थे और बाल बाल बच गए काव्य इस मैच के अंपायर सौराष्ट्र और गुजरात के जाने माने खिलाड़ी भगत सिंह राणा जिन्होंने नेशनल लेवल अंडर 19 टीम में भारत की ओर से खेला है रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी है और सामने केविन रयाणी जिन्होंने रणजी ट्रॉफी में अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा किया है और गोंडल का नाम रोशन किया है दोनों अंपायर काफी अच्छी तरह से कर रहे हैं अंपायरिंग